अब यातायात नियम की धज्जियां उड़ाने वालों की खैर नहीं, क्योंकि यातायात नियमों को अनदेखा कर वाहन चलाने वालों पर पुलिस टू व्हीकल इंटरसेप्टर की नजर रहेगी और नियम तोड़ने वालों पर करेगी कठोर कार्रवाई। अगर आपको भी आदत है ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने की या शहर में वाहन तेज गति से चलाने की, तो संभल जाइए, वरना आपको भी भरना पड़ेगा मोटा जुर्माना। कुछ इसी अंदाज में चेतावनी दे रही है उत्तराखंड पुलिस, क्योंकि अब उत्तराखंड के 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में टू व्हीलर इंटरसेप्टर से पुलिस यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखेंगे और नियम तोड़ने वालों का चालान भी काटेंगे। खास बात यह है कि कोई भी अब टू व्हीलर इंटरसेप्टर को चकमा देकर भाग नहीं सकता। जिन तंग गलियों में फोर व्हीलर वाहन नहीं जा सकते, वहां टू व्हीलर इंटरसेप्टर आसानी से पहुंच सकते हैं। मौजूद विशेष यंत्र के जरिए टू व्हीलर इंटरसेप्टर स्पीड पर नजर रखने के साथ ही नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों को भी पहचान सकेंगे। निदेशालय द्वारा दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए, और जैसे कि इंटरसेप्टर वाहन से पहले इंटरसेप्टर मोटरसाइकिल दी गई है, ताकि इनके द्वारा स्पीड, ड्रिंकिंग ड्राइव और भी जो भी दुर्घटनाओं से जो भी दुर्घटना के कारक होते हैं, जैसे हेलमेट इसके आदि के चालान करने के लिए इंटरसेप्टर टू व्हीलर बाइक दिए गए हैं। तो इस मुख्यालय द्वारा पूरे जनपद, पूरे उत्तराखंड में 8 इंटरसेप्टर टू व्हीलर वाहन दिए गए हैं, जो ऊधम सिंह नगर को 2, एक रुद्रपुर और एक काशीपुर को दिया गया है। कार्य क्षेत्र काशीपुर क्षेत्र में रहेगा, जैसे कि हमारे जो ये है, क्या कहते हैं, फोर व्हीलर है, वो हर जगह चेक नहीं कर सकती, तो इसको हम जैसे ऐसी जगह भी चेकिंग कर सकते हैं जहाँ फोर व्हीलर नहीं जा सकती है। तो जैसे काशीपुर के गलियों में भी अगर कोई ओवर स्पीडिंग करता है, तो उनके चालान हम इसके द्वारा कर सकते हैं। लोगों को ये जागरूक करना बहुत आवश्यक है कि आपको हेलमेट पहनना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, शराब पीकर वाहन नहीं चलाना है, मोबाइल का यूज करते हुए वाहन को नहीं चलाना है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, ट्रिपल राइडिंग नहीं करनी है। इस तरह लोगों को भी जागरूक भी किया जा रहा है कि इस तरह के काम न करें, जिससे कि वो दुर्घटनाकारी हो सकती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।